हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज़ करते हो, अगर आप किसी फ्रेंड को पेमेंट करना चाहते हो, पेमेंट हो जाती है फेल्ड, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या आपके बैंक के अकाउंट में प्रॉब्लम है, या आप किसी ऐप से पेमेंट सेंड करते हो तो क्या उस ऐप में प्रॉब्लम है, या फिर आपको कुछ रूल्स पता नहीं है पेमेंट सेंड करने के बारे में, तो उसमें कुछ आप गलती कर रहे हो? सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लिए सब्सक्राइब, साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, अगर आप किसी फ्रेंड को पेमेंट सेंड करने जा रहे हो, अगर आप 20,000 से ज़्यादा पेमेंट सेंड कर रहे हो, तो वो ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, क्योंकि आप एक दिन में सिर्फ 40,000 रुपये तक के सेंड कर सकते हो, और वन टाइम में आप 20,000 रुपये तक के सेंड कर सकते हो वन टाइम में। अगर आप 10,000 रुपये सेंड करेंगे तो आपके अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएंगी, अगर आप 20,000 रुपये सेंड करेंगे तो आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए आप 10,000 रुपये करके आप किसी फ्रेंड को पेमेंट कर सकते हो, आप एक दिन में सिर्फ 40,000 रुपये तक ही पेमेंट कर सकते हैं वन टाइम में। दोस्तों, बात कर लेते हैं गूगल पे और फ़ोनपे के बारे में। अगर आपके इससे पेमेंट नहीं हो रही है, तो दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह है KYC। अगर आपने पहले KYC नहीं किया है, तो आप KYC कर लीजिए आधार कार्ड पैन कार्ड से, तो भी आपके पेमेंट सेंड हो पाएंगे। हालांकि आप KYC करना ज़रूरी नहीं है, अगर पेमेंट नहीं हो रही है तो फिर भी आप कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब भी आप पेमेंट करना चाहते हो, तो आपके एप्लीकेशन में ऐसे तरह से लेके आता है कि आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक से रजिस्टर नहीं है, लेकिन रजिस्टर होता है आपका मोबाइल नंबर बैंक से, फिर भी वहाँ ऐसा दिखाता है कि आपका मोबाइल नंबर बैंक से रजिस्टर नहीं है। तो दोस्तों, आपको बैंक में जाना है और बैंक वाले को बात करने के बाद हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, फिर भी इस ऐप पर नहीं दिखा रहा है। दोस्तों, फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो, तो आपको फिर आपका जो पुराना नंबर है उसको रिमूव करना पड़ेगा और नया नंबर वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। मेरे साथ भी इस तरह से बहुत बार प्रॉब्लम हुई, मेरे फ्रेंड के साथ में भी इस तरह से प्रॉब्लम आई थी, तो हमने पुराना नंबर रिमूव कर दिए और नया नंबर वहाँ सबमिट कर दिए, तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। बस दोस्तों, इस वीडियो में था इतना ही। अगर आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।